नमस्कार दोस्तों, ये जबाड़ी में आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हो उसी तरह आप भी दुर्गा माँ का फोटो का वीडियो स्टेटस बनाना चाहते हो तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साइड में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करें। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल में VPN ऐप को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद तो उसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों इधर से प्लस वाला है आइकन पर क्लिक करना और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर से आपके पोस्ट है वो ऐड कर देने हैं। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से पोस्ट ऐड कर देता हूँ। पोस्ट ऐड करने के बाद दोस्तों आपका वीडियो रहेगा, उसमें आप इफेक्ट कैसे ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों इधर से मैं पोस्ट ऐड कर देता हूँ। देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से अपने पोस्ट जो पोस्ट है वो इधर ऐड कर देता हूँ। पोस्ट ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से पोस्ट ऐड कर देता हूँ। आपको समझाने के लिए वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। यहाँ से आपको 30-35 पोस्ट ऐड कर देना है। तो दोस्तों इधर से मैं कमी पोस्ट ऐड करूँगा जो कि आपका वीडियो रहेगा वो ज़्यादा बड़ा ना हो और आप जल्दी से जल्दी समझ सके। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर से मैं इधर एक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उधर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपका फोटो में ऐड हो जाएंगे। फोटो ऐड हो जाने के बाद दोस्तों उसी तरह से आपको क्या करना है, इधर एंड में आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है उसे आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों देख सकते हो इधर से आपको म्यूजिक वाला ऑप्शन पर जाना है और इधर से आपको म्यूजिक है वो ऐड कर देना है। दोस्तों इधर से मैं म्यूजिक ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं म्यूजिक ऐड कर देता हूँ और ऐड करने के बाद इधर आपको म्यूजिक बीट पर क्लिक कर देना है। म्यूजिक बीट लिखा हुआ है उधर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपके सामने आ जाएगा। तो इधर से दोस्तों मैंने पहले से बीट ऐड करके रख दिया है, उसी तरह से आपको भी ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद दोस्तों उसी तरह से इधर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो आपका जो बीट रहेगा वो म्यूजिक के साथ आपको सेट कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपका जितना बड़ा है बिट है उसके हिसाब से आपको इधर फोटो सेट कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर फोटो सेट कर देता हूँ और उसी तरह से आपको सभी फोटो सेट कर देना है। तो दोस्तों इधर से मैं जल्दी जल्दी करूँगा इसलिए आपको इधर से ज़्यादा पोस्ट नहीं दिखा पाऊंगा, जो कि इधर से आपको 3-4 भाई दिखा देता हूँ जो कि इसमें आप किस तरह से इफेक्ट ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर से आपको जितना भी हो उतना आपको कर देना है। करने के बाद दोस्तों इधर से आपको क्या करना है, इधर से आपको जल्दी तो दोस्तों वीडियो देख सकते हो उसी तरह से आपको इधर से पोस्ट कर देना है। करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से 4 पोस्ट ऐड करके आपको दिखा देता हूँ उसमें आप इफेक्ट कैसे ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको इधर इफेक्ट ऐड कर देना है और उसी तरह से आपको पहले पोस्ट को कर देना है, उसी तरह से उसके बाद आपको इधर देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर पोस्ट पहले सेट कर देता हूँ। करने के बाद दोस्तों इधर से आपको क्या करना है, उसी तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर आपको पोस्ट में क्या करना है, सबसे पहले वाला ऑप्शन पर आ जाना और उसी तरह से आपको इधर कौन सा भी आप एक इफेक्ट ऐड कर देंगे, जो कि इधर से मैं इफेक्ट वाला ये वाला सेक इफेक्ट वाला ऐड कर देता हूँ। उसी तरह से आपको दूसरे में भी सेक इफेक्ट या इधर से आपको कौन सा भी जीत वाला इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर से मैं वो वाला इफेक्ट कर दूंगा ऐड। तो दोस्तों इधर से आप कौन सा भी इफेक्ट ऐड करेंगे तो आपका वीडियो रहेगा वो काफ़ी क्लासिक दिखेगा। और दोस्तों उसी तरह से आपको सभी में जितने भी आपके पोस्ट है उसमें आपको इस तरह से इफेक्ट ऐड कर देने हैं। तो दोस्तों देख सकते हो इसी तरह से आपको सभी में इफेक्ट ऐड कर देना है, जो आपका वीडियो रहेगा वो काफ़ी क्लासिक दिखेगा। और इसी तरह से आपको मिक्स इफेक्ट ऐड कर देने हैं। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से मिक्स इफेक्ट ऐड कर रहा हूँ, उसी तरह से आपको भी कौन सा भी कर सकते हो। और जो पोस्ट आपका आपका बिट बढ़ा रहे वहाँ आपको क्या करना है, उसी तरह से इधर एफएक्स में क्लिक करके उसी तरह से आपको ये वाला इफेक्ट ऐड कर देना है। ये वाला इफेक्ट ऐड करने के बाद दोस्तों उसी तरह से इधर यस पे क्लिक कर देना है और आपके इफेक्ट रहेंगे उसके हिसाब से आपको सभी पोस्ट ऐड कर देना है। उसके बाद दोस्तों इधर से आपको एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो देखने को मिल जाएगा जो कि वो ऐड कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से ऐड कर देता हूँ, उसी तरह से आपको भी उसे ऐड कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से आपको क्या करना है, इसे उसी तरह से कर देना है। करने के बाद दोस्तों इधर से आपको ओरिजिनल वाला ऑप्शन दिखा उधर क्लिक कर देना है और उधर से आपको 9/16 रिव्यू सेलेक्ट कर देना है। करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको इधर स्क्रीन का उतना ही बड़ा कर देना है और उसी तरह से इधर से आपको एक ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उधर क्लिक करना है या से आपको स्क्रीन कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको वीडियो को चला के देख सकते हो उसी तरह से आपका वीडियो रहेगा वो बहुत ही क्लासिक दिखने लगेगा और आपके इफेक्ट रहेंगे वो भी काफ़ी क्लासिक दिखने लगेंगे। तो दोस्तों इधर से आप वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहो तो इधर से आपको वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।